वेलकम एवरीवन। डॉक्टर रेडिस की तरफ से जो रिक्रूटमेंट्स आ रहा है उनके बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल समझाने वाला हूं। यहां पर सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल बनने वाले हो, आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, आप लाइफ साइंस के किसी भी डोमेन से हो, जो भी डोमेन है सभी डोमेन के स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल बनने वाले हो। अब इन चीजों में आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या बनने वाला, सैलरी कितनी दी जाएगी, उनके ऊपर हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर मोर अपडेट्स। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डॉक्टर रेडिस करियर्स की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन को आप लोग जैसे ही ओपन करोगे आप लोगों को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। यहाँ पर सभी फार्मा बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल कोडिंग के स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग डोमेन के सभी स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स इंटर्नशिप्स वर्क फ्रॉम होम और जो इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है उनका सारा का सारा लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। फाइजर सिप्ला हो गया, सन फार्मास्यूटिकल हो गया, चाहे आपको ड्रग इंस्पेक्टर बनना है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना है, ऐसे अप्लाई लिंक के ठीक नीचे आप लोग को ये ऑफिशियल वेबसाइट मिलने वाली है। लिंक के साथ हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को इनका पे स्केल समझा देता हूँ कि एक स्टूडेंट को कितना कितना पे आउट दिया जाता है हर एक कह लो आप इनकी पोस्टिंग्स के अंडर। जो ऑफिशियल वेबसाइट मैं यूज करने वाला हूँ वो है ग्लासडोर बनने वाली वेबसाइट के ऊपर का कोई टेंशन नहीं बनने वाला है। जो डॉक्टर रेडिस की जो कह लो आप पोस्टिंग्स हैं उनका जो सैलरी पैकेज है वो चीज यहाँ पर डिस्कस की जाती है। तो जो भी इनके इंटर्नशिप्स आती है उनके इंटर्नशिप्स में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो सैलरी पैकेज अप टू 2.6 लाख, तो आप डिवाइड करके सारी चीजें आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये सीटीसी नहीं है, ये सैलरी है जो आपके इन हैंड में आने वाला है। उसके बाद आप लोग अगर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पर आपको सैलरी 4.6 लाख के आसपास की बनने वाली, ये आप कह लो ईयरली पैकेज बनने वाला। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप लोग इनके ऊपर क्लिक करके फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो। वैसे अगर आप एक ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर बनते हो, अब ये जो मैनेजर्स की जो पोस्टिंग्स रहती है ना वहां पर ज्यादातर एक ऐसे कैंडिडेट को लिया जाता है जिनके पास एक्सपीरियंस हो, तो फ्रेशर्स और जो एक्सपीरियंस है उनके बीच का आप डिफर समझ के चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हो। रीजनल सेल्स मैनेजर हो गया, तो ऐसी जो मैनेजर की पोस्टिंग्स हैं उनमें आप लोगों को एक्सपीरियंस की नीड बनने वाली है, चाहे वो प्रोडक्शन का हो गया, चाहे वो सेल्स का हो गया, चाहे किसी भी डोमेन का हो गया, तो वहां पर आप लोग एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट बनने वाली है। इसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पर भी आप चीजें समझ सकते हो क्या डिटेल्स बनने वाली है। और एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं चीजें आप लोगों को समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या चीजें बनने वाली है। जहां पर अगर आप टीम मेंबर बनते हो तो आपको 3.9 लाख के करीब की सैलरी पैकेज दी जाएगी और बाकी उसके अकॉर्डिंग चीजें वेरी करने वाली, तो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस और आपके पास किस किस तरीके के स्किल्स हैं चीजें यहाँ पर वेरी करने वाली। जो साइंटिस्ट की एक बड़ी पोस्टिंग बनती है उसके लिए आप लोगों को 7.5 से 8 लाख पर एनएम की सैलरी दी जाएगी। समझे, ये सीटीसी नहीं है, ये आप लोगों का एक्चुअल सैलरी इन हैंड जो बनने वाला है वो चीजें बनने वाली, समझे। अब ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ हम बढ़ते हैं और फर्दर प्रोसेस क्या है वो हम समझते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को डायरेक्टली नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर जैसे ही आप आओगे देखो ओपन पोजीशंस के अंदर ना अब ये चीज अपडेट होती है, जितनी भी करंट में ओपनिंग्स हैं उनका यहाँ पर आप लोगों को अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाओगे ना भर के यहाँ पर वैकेंसीज है, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल बनने वाले, बहुत सारी पोस्टिंग है। देखो नीचे तक आप स्क्रॉल करोगे कम से कम यहाँ पर 500,000 के करीब पोस्टिंग्स तो बनने ही वाली, आराम से आप चेक करोगे तो सारी की सारी चीजें आप लोग को मिल जाएगी। आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पर कंट्रोल एफ करके और फिर जो भी आपको पोस्टिंग्स रिक्वायर्ड है, समझो मुझे QA की रिक्वायरमेंट है, मैंने सिंपली एंटर किया तो यहाँ पर आपको उनके बारे में चीजें मिल जाएगी। अब जैसे यहाँ पर एक QA का टीम मेंबर जो क्वालिटी एश्योरेंस है उनका यहाँ पर एक टीम मेंबर की वैकेंसी है, वैसे आपको यहाँ पर क्वालिटी एसोसिएट की एक वैकेंसी बनने वाली, तो ऐसी आपको जो भी पोस्टिंग्स रिक्वायर्ड है आप ऐसे सर्च कर लो तो ही आपको हेल्प मिलने वाली, वरना आप ये 1000 पोस्टिंग में सर्च करते रह जाओगे तो पागल हो जाओगे, समझे। तो यहाँ पर आपको जो भी प्रोसेस में अप्लाई करना है, समझो यहाँ पर एक बिजनेस कंसल्टेंट R&D डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई कर, यहाँ पर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बिजनेस कंसल्टेंट की जो R&D डिपार्टमेंट के लिए बनने वाला है। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को की रिस्पॉन्सिबिलिटीज करके सारी की सारी चीजें अवेलेबल की जाएगी। रिक्वायर्ड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, तो आप समझ सकते हो कि कौन कौन से एक्सपर्टीज के अंदर अगर आप हो तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। डिपार्टमेंट आप लोगों का कॉर्पोरेट बनने वाला है। स्किल्स रिक्वायर्ड डिजिटल एनालिटिकल एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड स्किल्स आपके पास रहने ही चाहिए। लोकेशन हैदराबाद बनने वाला है। क्वालिफिकेशन देखो हर एक में ना आपको क्वालिफिकेशन दी जाएगी। अब यहाँ पर एक MBA कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर बता दिया है कि 4 ईयर्स का आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट बनने वाली है। ये पोस्टेड ऑन डेट करके ये चीजें में कोई इंटरेस्ट देने की मतलब नहीं है, वैकेंसीज चलती रहती है, तो ऐसा कोई ये नहीं कि वैकेंसीज एक्सपायर हो जाएंगी, जो एक्सपायर हो जाती है वो ये प्लेटफॉर्म अपने आप ही रिमूव कर देते हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सिंपली अप्लाई नाउ वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है, डिटेल्स ओपन हो जाएगी। इस पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो पहले आप लोग आपका रिज्यूमे अपलोड करना है, सिंपल एज दैट। फर्स्ट नेम डालिए फिर बाकी सारी चीजें एंटर कीजिए, ईमेल आईडी खासकर ध्यान से पुट करना, उसी के थ्रू ही आप लोगों को कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, समझे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि आपको क्या करना पड़ेगा। पहला तो है क्वालिफिकेशन देख लीजिए,
उसके बाद आप लोग चेक कर लीजिए कि एक्सपीरियंस क्या क्या रिक्वायर्ड है, ऊपर आप लोगों को की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और की स्किल्स के बारे में चीजें बता दीजिएगी। अगर आप ये चीजें फुलफिल कर पाते हो, इफ यू हैव इनफ स्किल्स, आपने कहीं पर इंटर्नशिप की है, प्रीवियसली कहीं पर जॉब वगैरह किया रहेगा, तब आप अप्लाई करोगे, तब इस चीजों का ज्यादा फायदा बनने वाला है। इनको फ्रेशर्स को भी इनपुट देते हैं, ऐसा नहीं कि फ्रेशर्स को इंपॉर्टेंस नहीं है, बट कैसा रहता है कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट और एक फ्रेशर का बीच का आप डिफरेंस तो समझ ही सकते हो, समझे। नीचे फिर आप लोगों को सोल्व करना है बाकी सारा, ये जो बेसिक का फॉर्म है, इस फॉर्म को आप लोगों को फिल करके सबमिट वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये वाया मेल ही आपको सारी की सारी चीजें प्रोसीड कर देंगे कि आप लोगों को जॉब कहाँ पर बनने वाली है, सिलेक्शन कैसे होने वाला है, आपका इंटरव्यूज वगैरह को कहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है और किस तरीके से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो डिटेल्स क्लियर होगी कि यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। देखो पे स्केल वगैरह तो मैंने पहले ही समझा दिया है, रिक्वायर्ड रहेगा तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वरना चैनल के साथ बने रहोगे तो आपको बहुत सारी अपडेट्स प्रोवाइड की जाएगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।